फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ शेवे का खीर। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स इसको बनाने का। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ये रेसिपी जानने के लिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर देना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अभी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर 600 ml मिल्क लेके रखा है, और यहाँ पर इलायची पाउडर है, शक्कर आप जितना दूध लेंगे उसके हिसाब से ले लेना। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच का शक्कर लिया है यहाँ पे, और ये चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स हैं, जो भी आपके पसंद के हैं वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने चॉप करके बादाम लिया है, और कैशू लिया है, और किशमिश लिया है, और यहाँ पे मैंने इतनी सेविया लिया है। सेविया बिल्कुल भी ज़्यादा मत लेना फ्रेंड्स, नहीं तो एकदम वो गाढ़ा हो जाता है और अच्छा नहीं बनता है। और पायसम, और यहाँ पर मैंने 2 स्पून घी लिया है, और यहाँ पे मैंने ये MTR बादाम पाउडर का मिक्स दिया है फ्रेंड्स। और आप चेक करना अगर आपके कोई लोकल स्टोर में मिला तो, और इफ़ यू डोंट फाइंड ओवर देयर, मैं यहाँ पे एक लिंक देती हूँ आपको अमेज़न पे, आप वहाँ से भी जाके ये बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है, अभी हम थोड़ा दूध गाढ़ा होने तक वेट करेंगे। तो दूध तो अच्छे से बॉयल हो गया है, और इस तरफ एक ऊपर से एक लेयर भी आ गया है मलाई का। अब हम इसको और एक 10 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे, ताकि हमारा दूध और थोड़ा अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पे हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं साइड में सिर्फ आ जाता है, वैसे ही गाढ़ा होता रहता है। तो तब तक अब हम यहाँ पे सेविया को और ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके देते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने अभी घी डाला है, अभी हम दूध में इलायची पाउडर डालेंगे, और शक्कर ऐड करेंगे, और जो बादाम का मिक्स मैंने यहाँ पे लिया था उसको भी मैं अभी ऐड करूँगी। ये तीनों चीज़ डालने के बाद हम दूध को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह, और अब हम सेविया को फ्राई करके लेंगे। सेविया लेते टाइम ध्यान देना फ्रेंड्स, ज़्यादा मत लेना, नहीं तो खीर एकदम टाइट हो जाती है और पतला सा एक जो टेक्सचर आता है वो नहीं आएगा। तो ये 2 मिनट के बाद अच्छे से इस तरह गोल्डन ब्राउन हो रहा है, तो हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे नहीं तो ये जल जाएगा। अभी हम इसको मिल्क में ऐड करेंगे। इसी घी में जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे उसको भी ऐड करेंगे। पहले मैंने किशमिश लिया है फ्राई करने के लिए, किशमिश भी फ्राई हो चुके हैं। आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं फूल के ये बड़े हो गए हैं एकदम, इसको हम इसी में साइड कर देंगे, और बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। तो एक हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे ही फ्राई करेंगे, और जैसे ही हो जाएगा हम उसी इसमें मिक्स कर देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो हम सभी को इसमें ऐड कर देंगे। फिर इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं, और इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ अभी 2 से 3 मिनट तक ही इसको पकाना है, और बाद में हम गैस को बंद कर देंगे। ये ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट्स हो गए हैं फ्रेंड्स। पहले मैंने 2 से 3 मिनट बोला था पर काफ़ी नहीं हुआ, तो एक्चुअली मुझे भी वो टाइम का अंदाज़ा नहीं था। तो एग्जैक्टली अभी मैंने गिन के लिया है, तो 5 से 7 मिनट्स हो गए हैं, और सेविया भी अच्छे से बॉयल हो गए हैं। तो अब हम हमारा गैस फ्लेम बंद करेंगे। तो फ्रेंड्स कैसे लगा आज का रेसिपी आप लोगों को? आई होप आपको ये रेसिपी अच्छा लगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो इसको एक लाइक ज़रूर देना फ्रेंड्स। चलो बाय फ्रेंड्स।